छींक या खांसी आप सभी को याद दिलवा रही है कि 1,00,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन और 3,000 करोड़ की मूर्ति से जरूरी अस्पताल। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का हम भारत के लोग इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूं कोरोना वायरस की। पूरे विश्व के अंदर में और भारत के अंदर में भी कोरोना वायरस के कारण काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना यह है, यदि इसे कंट्रोल नहीं किया गया, इससे बचाव नहीं किया गया, तो आने वाला जो समय है बहुत ही भयावह हो सकता है। तो सावधानियों के बारे में, बचाव के बारे में अभी तक आपने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनी होंगी। कि आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि 22 तारीख को हम एक जनता कर्फ्यू रखें और शाम को 5:05 पर हम अपने घरों के आंगन में या बालकनी में खड़े होकर ताली बजाएं और थाली बजाएं। ताली और थाली बजाने का उन्होंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो डॉक्टर, जो चिकित्सा कर्मी हैं इस समय, इस कठिन परिस्थिति में, इस खतरनाक परिस्थिति में, लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने यह आह्वान किया। उनके आह्वान पर मैं कोई क्रिटिसाइज या आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन एक बात यह कहूंगा कि सिर्फ थाली बजाने से कोरोना वायरस दूर नहीं होगा। और उनकी जो भावना है कि उनका प्रोत्साहन होना चाहिए, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मुझे यकीन है कि हमारे देश के जो चिकित्सा कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें सिर्फ प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, आज उन्हें आवश्यकता है ऐसे सारे उपकरण, ऐसे सारे संसाधन, ऐसे सारे सुविधाएं जो उनकी उनकी खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसे सारे इक्विपमेंट जिसको पहनकर वो खुद सुरक्षित रह सके, जिससे वे सुरक्षित होकर, बेफिक्र होकर जो भी कोरोना से ग्रसित हमारे देश के नागरिक हैं उनकी रक्षा कर सके, उनके बचाव के लिए जुटे रहें। तो उनके संसाधन के लिए भी यदि आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ एक्शन लेते या कुछ घोषणा करते, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता। बहरहाल वो जो कुछ भी कर रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं वो देश हित में, इस देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं या भविष्य में उठाएंगे, हम यह मान के चल रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग और जो भाजपा से जुड़े हुए जो अंधभक्त कहलाते हैं, उनकी जो सोच है और वो जो हर वक्त बेसिर पैर की बातें कर देते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक्शन लिया है थाली बजाने का और ताली बजाने का, उससे जो ध्वनि निर्मित होगी, जिस प्रकार से शंख बजाने से और घंटा बजाने से जो ध्वनि निर्मित होती है, उससे जो खतरनाक बैक्टीरिया है, वायरस है, वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा भाजपा से जुड़े हुए लोगों का कहना है, ऐसा उनका तर्क है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं घंटा ना बजाओ, क्योंकि मंदिर तो बंद है, भक्त लोग भी जानते हैं, तो घंटा बजा तो सकते नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो थाली बजाने का एक आइडिया बताया है, उसका मतलब है घंटे से उसकी तुलना कर रहे हैं। जब वो घंटा बजाएंगे और जब ताली बजाएंगे तो उससे एक ध्वनि निकलेगी और उस ध्वनि के कारण जो बैक्टीरिया है, जो कोरोना है, वो मर जाएगा, ऐसे तर्क दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर में जितने घंटे, जितना मंत्र उच्चार रोज होता है और कई वर्षों से होता आ रहा है, तो मेरे ख्याल से कोरोना को हमारे देश की जो सीमा रेखा के अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं करना था, या जैसे ही सीमा रेखा में वो घुस रहा होता तो उसे वहीं खत्म हो जाना था। क्योंकि इस देश में ना सिर्फ घंटे बजते, घड़ियाल बजते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं, बल्कि यहाँ जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अजान भी करते हैं, ईसाई धर्मावलंबी हैं, अन्य अन्य धर्मों के लोग हैं, वे अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के तहत अपने जो भी कर्म कांड है वो करते हैं। अगर इसके वजह से अगर कोई बीमारी खत्म हो जाती तो हमारे देश में तो कोई भी बीमारी नहीं आना चाहिए।
तो ये खतरनाक कोरोना वायरस इस देश के अंदर में कदम कैसे रखा उसने? एयरपोर्ट में ही उसे भस्म हो जाना चाहिए था। एक बड़े मजे की बात है, लोग कहते हैं कि मंत्रोच्चार से ग्रहों की दिशा बदल दी जाती है इस देश के अंदर में। 100 रुपए लेकर मंत्रोच्चार किए जाते हैं और उसे ग्रह की जो दिशा है वो चेंज कर देते हैं। आज हम देश की सरकार से कहना चाहते हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे अच्छा एकाद ग्रह की जो दिशा बदलने वाले तो इस देश के अंदर में करोड़ों, आप उनमें से किसी एक को बुला लीजिए और जो करोड़ों रुपए खर्च करके देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, एक काम की एकाध करोड़ ऐसे बाबाओं को ही दे दीजिए। एकाध मंत्र उच्चार करेगा, कोरोना हो जाएगा भस्म। दोस्तों, ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिस समय पूरे देशवासियों को और सरकार को बचाव के लिए कुछ नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, बचाव के लिए काम करना चाहिए, उस समय ऐसा वर्ग जो देश के अंदर में, देश के नागरिकों में अंधविश्वास परोस रहा है, उन्हें दिमाग से पैदल बना रहा है, इसलिए मुझे ये बात कहना पड़ रहा है। हमें तो सरकार से ये सवाल करना चाहिए, भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य बजट वो दुनिया में सबसे कम है, आखिर ऐसा क्यों? जो आप मीडिया देखते हो, आजकल टीवी में आपको हिंदू मुसलमान के कहीं दंगों की चर्चा हो रही है, आजकल टीवी में कहीं आपको सुनाई दे रहा है कि हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में है, या हिंदू मुस्लिम के बीच में जो बहसें चलाई जाती है, आजकल आप टीवी में ऐसा कुछ देख रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं देख रहे, क्योंकि आज इंसान खतरे में आ गया है, वो किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, वो खतरे में आ गया है। ये निवेदन है कि जब आप खुद संकट में, हम संकट में, हमारा परिवार संकट में, पूरा देश संकट में है, तो पूरे विश्व की मानव जाति खतरे में है, तब तो हमें जागृत हो जाना चाहिए, तब तो हमें सरकार से सवाल करना चाहिए, भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य बजट इतनी कम क्यों है? क्या स्वास्थ्य बजट को या जो शिक्षा का जो बजट होता है उसे बढ़ाना नहीं चाहिए? अब ये समय आ गए ऐसे सवाल हम करें सरकार से, तो ऐसे विषयों पर हमें सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। यदि आने वाले समय में इस प्रकार की महामारियों से हमें बचना है, मुकाबला करना है, हमारे देश में सुविधाओं से लेस अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए। देश में ये महामारी अपने पैर पसार रही और भयानक होते जा रही है, और जो अपना भयानक रूप अख्तियार करते जा रही है, जो मानव जाति को खत्म करने के लिए, निगलने के लिए तैयार खड़ी है, उससे मुकाबला क्या हमारे जो चिकित्सा व्यवस्था है, आज जो चिकित्सा व्यवस्था है, क्या वो मुकाबला करने के लिए सक्षम है? आज आपको यह सोचना पड़ेगा, आज आपको यह तय करना पड़ेगा कि हमारे असल मुद्दे क्या है। क्या हमारे असली मुद्दे ये है कि हम धर्म के नाम पर लड़ाई करें, या धर्म के नाम पर लड़ाई करने वाले विषयों पर हम चर्चा करें? दोस्तों, कभी भी नहीं, कतई नहीं। हमारे असल मुद्दे होने चाहिए शिक्षा, विज्ञान, ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था कैसे उपलब्ध हो इस देश में। इस प्रकार की बातों को हमें सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद हमारे नेताओं से हमें ये उनसे पूछना पड़ेगा, इन विषयों पर आप क्या सोचते हो, इन विषयों पर आप क्या करके दिखाओगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ, वो आपके विषयों को गंभीरता से सोच रहा है, तो आप उसका समर्थन कीजिए, आप उसका सपोर्ट कीजिए। लेकिन आप ही अगर धर्म में उलझे रहेंगे, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है। आप किन धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप उसे मानिए। लेकिन सरकार से उन धार्मिक मान्यताओं को कैसे बढ़ावा दे, आप अपने व्यक्तिगत जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो सरकार पर मत थोपिए। सरकार इसलिए होती है कि देश का चहुंमुखी विकास करे, देश में सुरक्षा और शांति स्थापित करे। सरकार इसलिए नहीं होती कि मंदिरों में जाकर घंटा बजाए या मस्जिदों में जाकर अजान करे। सरकार के नुमाइंदे इसलिए नहीं होते हैं। आपके जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं उसे व्यक्तिगत रखिए, आपको जो करना है आप अपने घरों में, अपने धर्म स्थलों में जाकर कीजिए। लेकिन पूरे देश के अंदर उन मान्यताओं को थोपने का प्रयास कृपया करके ना कीजिए, क्योंकि इस बीमारी से कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष का आदमी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। डॉक्टर या जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, जो हमें सलाह दे रहे हैं,
उन सलाहों का पालन कीजिए। इसलिए दोस्तों साइंटिफिक तरीके से सोचिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाइए। उससे पूछेंगे, सुरेश भाई आप खड़े होकर ताली बजाएंगे क्या अपने घर के सामने या थाली बजाएंगे क्या? तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे घर में खड़े होकर यदि मैं थाली बजाऊँ या कोई बहुत बड़ा ड्रम लेके आकर बजाऊं और ताली पीटूंगा तो दोस्तों उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझसे पूछेंगे क्या करोगे सुरेश भाई, आप ताली नहीं बजाओगे, थाली नहीं बजाओगे तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी ने जो कहा है कि आप अपने घरों में रहें एक दिन के लिए, तो मैं इस बात को मान रहा हूं कि हाँ हमें घरों में रहना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं केवल एक दिन नहीं, कम से कम हफ्ते भर 10 दिन हम सभी को अपने अपने घरों में रहना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, ऐसे संस्थान हैं जहां पर अभी भी लोग संक्रमण के खतरे में भी वे लोग जा रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, अपने कार्यस्थल में पहुंच रहे हैं। इसके चिकित्सक कह रहे हैं कि हमें भीड़भाड़ से बचना चाहिए, भीड़भाड़ की जगह से बचना चाहिए। आज भी ऐसे संस्थान क्यों चालू हैं? आज भी वहां पर हजारों लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? क्या ये खतरा नहीं है संक्रमण फैलने का? और सरकार तक मैं अपनी यह बात बताना चाहूँगा, यह अपनी मांग उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि कृपया करके आप चिकित्सालय में अच्छी सुविधाएं प्रदान करें, जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा के लिए अच्छे अच्छे उपकरण पहुंचाएं। पर कोरोना वायरस से प्रभावित लोग जा रहे हैं, ग्रसित लोग जा रहे हैं, उनकी जान कैसे बचाई जा सकती है उसके लिए प्रयास करें, ऐसे संसाधनों पर प्रयास करें। और जिस दिन हमारे देश के अंदर में ये महामारी खत्म हो जाएगी उस दिन जरूर हम चौराहे में निकलकर, हम सड़कों पर निकलकर जश्न मनाएंगे और हम अपने डॉक्टरों का स्वागत भी करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, ना सिर्फ तालियों से करेंगे।